खबर विकासनगर से है, जहां बाड़वाला के राजावाला जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध पातन किए जाने पर याचिकाकर्ता राकेश तोमर ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षण विनोद कुमार को मौके पर जांच करने के निर्देश दिए। बता दें, शनिवार को प्रमुख वन संरक्षण और SDM विनोद कुमार ने राजावाला जंगल का मुआयना किया। उन्होंने जांच में माना कि यहां पर बड़े पैमाने पर पेड़ों का पातन किया गया। जांच टीम ने पेड़ों के पातन पर हैरानी जताते हुए कहा कि पेड़ों का पातन निजी भूमि पर हुआ है, इसमें फॉरेस्ट लैंड नहीं है। अगर भूमि स्वामी ने अवैध पातन किया तो उसकी जांच जो है चल रही है। एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि PCC उत्तराखंड जाके इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और एफिडेविट के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराएगी कि प्रकरण क्या है। मुख्यतः ये जो भूमि है जहां से पेड़ कटने का मामला है, उसका मैंने निरीक्षण किया है। रिवेन्यू विभाग के भी अधिकारी हैं, वन विभाग के भी अधिकारी हैं, और ये पाया है कि ये जहां तक भूमि की ऑनरशिप का पर्सन है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है।